तरह के रोज नए नए परिवर्तन को देखेंगे तो स्वाभाविक तौर पर क्योस होना ही है। अधिकारी और मंत्री के बीच में क्या हो रहा है ये महत्व का विषय नहीं है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो नई शिक्षा नीति बनाई गई, जो नियमावली आई है, उसमें डोमेसाइल का को जो चेंज किया इन्होंने, उसका इफेक्ट आप समझ लीजिए कि बिहार में जिसको शिक्षक बनना है, अगर आप बिहार में पढ़े लिखे सरकार एग्जाम ले रही हो तो एक बात है, एग्जाम लीजिए, अच्छे लोगों को शिक्षक बनाइए, लेकिन एग्जाम में सिर्फ बिहार के बच्चे नहीं, पूरे देश के बच्चे आ सकते हैं। इसका असर ये होगा कि बिहार में शिक्षक यूपी, मध्य प्रदेश और दूसरे राज्यों के आएंगे। ये तब होगा जब बिहार के बच्चे रोजगार के लिए, मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, तो बिहार के बच्चे जाकर फैक्ट्रियों में मजदूरी करेंगे और हम लोग यहाँ शिक्षण का काम जो है वो दूसरे राज्यों के लड़के आकर करेंगे। अब मंत्री महोदय इस पर क्या बोल रहे हैं और मुख्य सचिव क्या बोल रहे हैं, ये मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है, वो आपस में खींचतान चलती रहती है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय ये है कि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है। यहाँ पर जो स्थिति है पिछले 4-5 साल 8 साल में, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा व्यवस्था की हुई है। मैं रोज कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल का जब इतिहास लिखा जाएगा तो ध्वस्त हुई शिक्षा व्यवस्था को उनके इतिहास का, उनके शासनकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय बताया जाएगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर सड़क खराब है, कल अच्छी सरकार आएगी सड़क बन जाएगी, अगर बाढ़ आ रहा है कल बांध जल प्रबंधन की व्यवस्था हो जाए, बाढ़ आना रुक जाएगा। लेकिन एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने के बाद कल होकर अगर एक अच्छी व्यवस्था आ भी जाए तो भी जो दो पीढ़ियां इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़ के निकली उनका जीवन अब सुधरने वाला नहीं है, उनको पूरे जिंदगी शिक्षित समाज के पीछे ही चलना पड़ेगा।